हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो आप इसे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट वाली वीडियोस लाऊं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। सो गाइस, ये मेरे फर्स्ट चैनल की फ़र्स्ट वीडियो माइनक्राफ्ट की है, तो इसमें हम अपने सर्वाइवल सीरीज़ बनाएंगे, अपने घर बनाएंगे, फार्म्स बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे सर्वाइवल सीरीज से जुड़े रहेगा और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा। और अगर आपको कोई सजेशन मुझे देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और गेम खेलूं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोड्स आते हैं, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, जैसे कि पार्कौर वगैरह इस टाइप के मोड्स आते हैं, वो भी आप बता दीजिएगा मुझे कि अगर आपको वो पसंद है तो मैं वो उसकी वीडियोज़ बना बना के डालूँ। तो गाइस, आप बिना टाइम ज़ाय किए जल्दी से अपने चलते हैं माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस, पहले हम अपना वर्ल्ड बना लेते हैं, तो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे वंडरलैंड। ये मैं पहले से सोच के आया था, तो हम जल्दी से नाम लिख देते हैं वंडरलैंड। और ये इसमें सेटिंग्स में हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जल्दी से फिर कर लेते हैं क्रिएट। तो ये अभी लोडिंग हो रही है, तो लोडिंग होने देते हैं, फिर ये देख सकते हैं लोडिंग हो चुकी है। वो हमारे मुँह सामने सबसे पहले हम स्पॉन ही वंडरलैंड में हुए। तो गाइस, हम सबसे पहले इसमें सबसे अहम काम करते हैं लकड़ी तोड़ना। हम जल्दी से लकड़ी तोड़ते हैं और मिलते हैं स्टोन के टूल के साथ। तो गाइस, हमने अपने स्टोन के टूल बना लिए हैं और इधर जानवर भी आस्ते आस्ते स्पॉन होने लग गए हैं, तो जल्दी से हम जानवरों को मारते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। तो जल्दी से हम इधर पहले ढूंढते हैं कि हमें कोई और सामान मिलेगा या नहीं। वैसे इधर इंसान मिल जाती हैं हमें, केव में आस पास ही होती हैं, एक केव इधर से स्पाइडर ही थी। हम गाइस आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें विलेज मिल जाए ताकि हमें आसानी हो जाए, ताकि हम उधर रह भी पाएँ कुछ दिनों के लिए, बाद में अपना घर बना लेंगे। और इससे हमें विलेज से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हम विलेजर से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और उसको मास्टर लेवल पर ले जाके वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकता है और हम इन्चेंटिंग के काम भी आ सकते हैं विलेजर। और खाने की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो फिर जल्दी से हमें ये ढूंढते हैं कि आस पास हमें अगर विलेज मिल जाए तो क्या किस्मत होगी। तो ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि इधर आसपास कोई विलेज है, तो गाइस लगता है हमें वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो आगे तो मुझे सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है, तो पीछे ही चलते हैं, पीछे देख के आते हैं कि अगर पीछे से हमें कुछ मिल जाए। गाइस, एक काम करते हैं, हम विलेज पहले ढूंढ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, फिर देखते हैं हमें कब तक मिलता है विलेज। तो गाइस, ये देख सकते हैं रात हो चुकी है, अभी तक हमें कोई विलेज नहीं मिला। हमारा पूरा हंगर बार भी चला गया, खाना वाना भी खा लेते हैं ताकि हम भाग पाएँ। अब थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह, तो देखते हैं अब कहाँ तक कहाँ जाके मिलेगा। सो गाइस, ये देख सकते हैं हमें विलेज में मिल चुका है, देखें इतना दूर जाके मिला है, तो पता नहीं अब इसमें वैसे इसमें कोई लाइट वाइट नहीं लगी हुई, मुझे कुछ गड़बड़ लगी, आगे बीच भी खड़ी है। जल्दी से हम चलते हैं अंदर, वरना यह हमें जिसने हमें देख लिया ना फिर हमारी शामत आ जाएगी। जल्दी से हम चलते हैं घर के अंदर। अरे यार, ये तो अबंडेंट विलेज है, ये तो किस्मत भी देखो यार, इतनी देर बाद मिला उस पर भी अबंडेंट विलेज मिला। जल्दी से हम इधर को रास्ता बंद कर देते हैं, और ये क्या स्केलेटन आ गया, जल्दी से इसे मारते हैं, जगह बंद कर देते हैं ताकि और ना है, जल्दी से हम इसे मारते हैं। तो गाइस, लग रहा है मेरी सीरीज वैसे मार दी मैंने, मुझे पता था कि मैं मार दूंगा। वैसे इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं था, बस मेरा हंगर बार नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। तो और वैसे तो मैंने तो आँख बंद करके मार देता हूँ। अपने भाई को हल्के में मत देना, मैं वैसे भी टीम के मुकाबले का ही हूँ। चले खैर, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो जल्दी से हम फिर वही बना लेते हैं बेड। हमने पीछे से वैसे वो ले लिया था, क्राफ्टिंग टेबल को हम रखते हैं अभी नीचे, जल्दी से बना लेते हैं बेड ताकि हम सो जाएं, वरना ये ज़ॉम्बीज़ हमें पीछे छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से हमने अपना बेड बना लिया और फिर सो जाते हैं, या हमारा रिस्पॉन पॉइंट भी सेट हो जाएगा। वैसे हम बेड अभी तोड़ ही लेंगे क्योंकि अभी हमें और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अबंडेंट विलेज है, अबंडेंट विलेज का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बस खाना लेते हैं इधर और फिर निकलते हैं सूरज से। जल्दी से ये प्लैंक भी ले लेते हैं। वैसे खाने की कमी तो लग रही है, हर जगह हेबेली हेबेली नज़र आ रही है, तो वह हम जल्दी से हेबेल ये सारी अपनी तोड़ते हैं। गाय सब मैं सारी हेबेल तोड़ लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं सारी हेबेल तोड़ के। और जल्दी से फिर ब्रेड बनाते हैं ताकि हमें खाने का कोई मसला ना हो। वैसे खाने का मसला होगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी हेबेल हैं, अच्छी खासा हमें ब्रेड बन जाएंगी। बाद हम फिर जल्दी से तोड़ते हैं सारी हेबेल। अगर आपके दिमाग में इस चीज़ के मुताबिक और भी कोई हो प्लान्स वगैरह, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आइडियाज़ वगैरह के,
थोड़ी बहुत ताकि मुझे भी आसानी हो जाए। जो फार्म्स होते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हम कौन कौन से फॉर्म बना लें इसमें, ताकि इससे हमें आसानी हो जाए। खाने का फॉर्म तो हमारा बनेगा, ताकि हमें खाने ही कम अज़ कम वो ना हो, कमी ना हो। और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से बन सकते हैं। ये बेडरॉक एडिशन है, इवन मैं खेल मोबाइल पे रहा हूँ, जैसे आपको देख के पता चल ही होगा ये बार्स देख के। तो आप फिर भी मुझे बता दीजिए बेडरॉक एडिशन में कौन कौन से फॉर्म बन सकते हैं, तो फिर आप मुझे, आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही, ताकि मैं डिमोटिवेट ना हूँ। और वैसे अरे हेबल इधर भी है, चलें ये भी तोड़ लेता हूँ। वैसे हेबल ही है इस विलेज में, और कोई भी नहीं है इधर। चेस्ट वगैरह होती होंगी शायद, मैं घरों में जाके देखता हूँ कि चेस्ट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है जब भी होगी, तब उसमें से कोई अच्छा सामान मिले, लेने के सारा एकदम बकवास माल मिले तो फ़ायदा नहीं है ये। अरे इस पर नहीं बैठना था, तोड़ना ये बिल्ली वो फंस गई थी, तो फिर ये जल्दी से ये वाली हेबल भी तोड़ लेते हैं। और फिर जाते हैं घरों में, चेक करते हैं कि हमें मिलेगा भी माल अच्छा या नहीं। वैसे माल के पहले चेस्ट मिल जाए वो, ये घोड़े को दही रहने देते हैं। सैडल होती तो हम सैडल पर चल लेते हैं, हमारे लिए आसानी होती है। सैडल ही नहीं है हमारे पास अभी हमारे पास कुछ भी नहीं। ये कैरेट भी तोड़ लेते हैं, फार्म में काम आएगा ये कैरेट, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम, फार्म में बना सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते मुझे, और कुछ अगर कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपके पास कोई है आइडिया। मेरे पास तो ऐसा कोई आइडिया नहीं कि इसमें कुछ होता हो। बिल्ली दे जल्दी से अभी घर में चेक करते हैं। घर में इस घर में चेस्ट है, वह एमरेंड है इसमें, फिर एमरेंड रख लेते हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ही हट गया, ये कैसे हुआ? अरे गाइस ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ही हट गया मेरा, चलें दो मिनट में लग जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। अरे लग जा भाई, ये लग गया, ये लगाते हैं। आर्मर पड़ा हुआ लेदर का, लेदर का आर्मर से क्या ही होगा, फिर भी रख लेते हैं लेदर का आर्मर, नहीं कुछ तो हमारी प्रोटेक्शन करेगा ये। जल्दी से रख लेते, पैन भी लेते हैं काम करते हैं, क्या सोना मुखड़ा इसका। चलो तो जल्दी से आगे और देखते हैं, और आगे किसी में चेस्ट हैं, चेस्ट हो गई तो अच्छी बात है। ये तो विलेजर है, ज़ॉम्बी विलेजर है, दफे करो से आगे दूसरे का। अरे इधर भी चेस्ट है, अरे वाह इधर भी होती हैं क्या? पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं, वैसे मैंने देखी तो नहीं है इधर। अरे तीन ब्रेड इधर पूरे पूरे स्टैक पड़े हैं टेबल के, तीन ब्रेड तो आगे चलते हैं। अरे ब्योरिंग स्टैंड ये ले लेते हैं, ये पोशन बनाने का काम आता है। ऐसा नहीं है मैंने कभी खेली नहीं है, खेली है मैंने, थोड़ा बहुत आइडिया है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे तो चलते हैं, आगे फिर देखते हैं और हमें कुछ सामान मिलेगा भी या नहीं। ये इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, अभी आगे ही चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं विलेज को, तो और क्या क्या मिलता है, और भी चेस्ट हो सकती हैं। हट भाई चल, आपके गले मिलने आ रहे थे दो मिनट में। इधर देखते हैं, ये इधर बैरल है, इससे भी हम जॉब देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं, तीन ब्रेड चल यही खा लेते हैं ताकि हम भाग सकें, वरना भाग नहीं पा रहे हम। जा रहे घरों में सारे ये गुस्से में ज़ॉम्बी विलेजर, चलते हैं और देखते हैं। ठीक है खड्डा है, चल निकलें से, चल चलो जाए हम चलते हैं, थोड़ी बहुत ब्रेड बना लेते हैं इधर से। तो गाइस वीडियो के लिए इतना ही, तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अगर ना पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें करिएगा ताकि मेरा डीमोटिवेट ना हो, आप मुझे मोटिवेशन दीजिएगा। तो गाइस हम पर अगली दफ़ा मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको ये, अगर आपके पास और भी कुछ आइडियाज़ हों, आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलती की हो, अभी मैं इसी बीच में अभी आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि मैं क्या करना भूल गया हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।